हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल चैनल। और आप सभी को बता दूँ, जितने भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। तो सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेबी ने मार्जिन ब्लॉक कर दिया है, तो इंटरडे मार्जिन भी धीरे धीरे कम होने वाले हैं, पोजिशनल भी मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो ही गया है, और BTST ये भी समझो पूरा ख़त्म। तो अभी BTST नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी कॉल में हम मार्जिन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग 5 टाइम्स देता था, आस्था ब्रोकिंग वो भी दे ही रहा था। उसके अलावा लाइस ब्लू की बात करें तो ये सभी मार्जिन प्रोवाइड कर रहे थे। अगर बैंक की बात करें तो कोटक बैंक भी आपको 3 से 4 टाइम्स आपको मार्जिन दे रहा था इंट्राडे के अलावा पोजिशनल में भी। तो अभी ये सभी चीज़ें बंद हो गई हैं, ठीक है। BTST पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो हमारा टॉपिक था कि जब ये सभी ब्लॉक हो गया है तो अभी हम क्या करें और कैसे अर्न करें लो कैपिटल से, क्योंकि मतलब 2 से 3 दिन तक हमारा होल्डिंग जो है हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें तो फंड की ज़रूरत ज़्यादा होगी, कम फंड में तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, सेम डे ट्रेड नहीं ले पाएंगे उसको रिलीज होने के बाद। ये सभी वीडियो सेबी के मार्जिन रूल्स और सेबी का जो पोजिशनल का सिस्टम है ब्लॉक होने वाला, ये सभी जो उसके नियम हैं रूल्स हैं ये सभी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया था इसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है, उसमें एक मेथड मैंने बताया है, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या करें, ठीक है। दूसरा, लो कैपिटल से कैसे हम अर्न करें कि हमारा कैपिटल भी लो हो और हम अर्न भी बराबर कर पाएँ, और अपने फंड को और रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए जो है अभी लोग क्या करेंगे कि स्टॉक का जो हम डिलीवरी में होल्डिंग कर रहे थे उसकी जगह पे इन लोग आ जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो फ्यूचर में जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम निफ्टी बाय निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं तो 1.5 लाख से इतना तो होल्डिंग चाहिए, या तो उससे होल्डिंग भी लगता है अगर आप रिलायंस का बाय कर रहे हो। तो रिलायंस का जैसे कि अभी 505 मतलब 505 का एक लॉट साइज होता है फ्यूचर को बाय करने के लिए, तो बाय करने का जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है अप्रॉक्स 2.5 लाख के आसपास है। अभी एक्सिस में जाएंगे तो उसमें 2 लाख है, SBI में जाएंगे तो उसमें भी 1,70,000 कुछ चाहिए। तो ऐसे में तो आप उतना होल्ड करने के लिए भी मार्जिन की रिक्वायर्ड होने के कारण तो उतना ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ और उसमें जो छोटे ट्रेडर हैं। और दूसरा कैसा है कि अगर आप फ्यूचर को वहाँ पे सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, तो आपने मान लो बाय कर लिया रिलायंस और दूसरे दिन ही ओपनिंग में कुछ बेड न्यूज आ गया, वहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे आ गया, तो वहाँ पे आपका लॉस जो है अनलिमिटेड होगा। मतलब आपने 2-2.5 लाख लगा के आपने फ्यूचर को बाय किया या शॉर्ट किया और उसके अगेंस्ट में रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे आपका लॉस अनलिमिटेड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है कि आपका लॉस ना हो, इतना लॉस वेयर ना करना पड़े, आपको एक फिक्स लॉस रहेगा, ताकि अगर रीओपन में भी गैप अप ओपन गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो भी आपका लॉस फिक्स रहेगा। दूसरा, कुछ ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कि ऑप्शन को हम राइट करते हैं, तो राइट करने पे भी आप देखोगे तो आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो आपको एक्सपोजर और स्पान दोनों जमा करना पड़ता है उतना, उसके बाद राइट करोगे तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वहाँ भी अमाउंट लग जाता है ऑप्शन को राइट करने में। और अगर वो रिवर्स हो गया तो वहाँ भी आपका विदाउट SL अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको होल्डिंग करना है तो आप यहाँ पे होल्डिंग ही बहुत कम अमाउंट से कर सकते हैं, फ्यूचर को भी होल्डिंग बहुत कम अमाउंट से कर सकते हैं, और दूसरा आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक लिमिटेड रिस्क आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, यू कैन सेव ऑल दीज लॉसेस, मतलब जितने लॉस हैं इसको भी आप बचा सकते हो और आप उसको पोजिशनल में होल्ड भी कर सकते हो स्मॉल फंड के साथ, मतलब आपको उतना मार्जिन की रिक्वायर्ड उतना फंड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये हेज मेथड है। हेज मेथड में आपको जो है होल्डिंग रिक्वायर्ड होगा ओनली 30,000 से लेकर 60,000। जब इनिशियल में आप इनिशिएट करोगे तो उस टाइम पे आपको जो है MIS इंट्राडे में लेना है। इंट्राडे में लेने के बाद दोनों पोजीशन आप बनाएंगे हेज करने के बाद, उसको आप पोजिशनल में कन्वर्ट कर दीजिए, उसी टाइम ही कन्वर्ट कर दीजिए। आपका जो होल्डिंग रिक्वायरमेंट फंड होगा वो आपको 30,000 से 60,000 के बीच में ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख चाहिए, उसकी जगह इतना ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ 30,000 से 60,000 आप होल्डिंग में रख सकते हो। दूसरा क्या होता है कि जब हम फ्यूचर को सेल करते हैं बाई करते हैं तो उसके साथ लिमिटेड रिस्क रहेगा, ठीक है। ऑप्शन को भी राइट करेंगे तो राइट करने पे आपका जो फंड है वो भी बहुत कम लगेगा और वहाँ पे रिस्क भी आपका मिनिमाइज रहेगा, तो वो भी कम रिस्क के साथ। ये सभी चीज़ें आपको बताऊँगा। अभी आप लोगों के साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने फ्यूचर को बाय कर लिया किसी भी स्टॉक का या निफ्टी का और सडनली फॉल फॉल फॉल, क्योंकि मेरा एक ऐसा क्लाइंट मेम्बर भी था
कि उसने झील को बाय करके रखा था फ्यूचर में, और झील डाउन डाउन आते गए, ऑलमोस्ट 90,000 या 1 लाख अप्रॉक्स लॉस हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हम नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर में हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन को राइट करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को हमें मिनिमाइज करना है, वो भी कम कैपिटल के साथ। यही सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें टोटल 6 मेथड हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने बताया था, जिस वीडियो में एक मेथड है, उस मेथड में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलता है, कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलता है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैंने ये जो 6 मेथड बनाए हैं, ये 6 मेथड आपको मैं वहाँ पे रिस्क कैलकुलेट करके सेंसिबल के थ्रू बताऊंगा। जिरोधा में टोटल मार्जिन और आप स्टॉक में टोटल मार्जिन, वो भी मार्जिन कैलकुलेटर से करके आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको जो 6 मेथड है, ये कैसा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय करें या शॉर्ट करें, तो उसे लिमिटेड रिस्क के साथ और अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ कैसे मैनेज करना है, वो भी इसी सेम कैपिटल में। जितने 6 मेथड हैं ये सेम कैपिटल में है। तो बाय और शॉर्ट करेंगे तो कैसे मिनिमाइज करना है लॉस को, और इतने कम फंड में कैसे मेंटेन रखना है वो बताऊंगा। बहुत लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं कि शॉर्ट कर दिया हमने आउट ऑफ दी मनी को और वो एक्सपायरी के टाइम पे 0 हो जाता है, तो वहाँ पे इजीली प्रॉफिट करते हैं। तो वहाँ पे इन लोग क्या करते हैं कि कॉल और पुट दोनों को करते हैं, तो वन लॉट के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपये लग जाता है, और लॉट बढ़ाना है तो 1.5 1.5 लाख करके ऐसे है, मतलब 5 लाख है तो आप 3 लॉट को ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊँगा जिसमें आपको 1.5 लाख में ही 3 लॉट कर देंगे। अगर 5 लाख है आपके पास तो आप वहाँ पर 15 लॉट तक कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको कम रिस्क में। उसके बाद हम बात करें ऑप्शन बाइंग, तो अगर हम बाई करते हैं तो इसमें भी एक रिस्क है कि आपने बाई कर लिया कोई निफ्टी का सपोज कॉल या पुट 100 रुपये में, और वहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग या उसके अपोजिट में हो जाता है, तो 100 रुपये सीधा 50 रुपये जाता है, तो फुल्ली फुल्ली आपका 50 रुपये का लॉस होता है। इसमें भी आपको बताऊँगा अगर आप बाई करते तो कैसे बाई करोगे कि आपका लॉस भी हुआ तो एक लॉस लिमिट तक उसमें आप रिकवरी भी कर सकते हो, और प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। उसी तरह सेम स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वही सेम है। तो स्टॉक का अगर फ्यूचर हम बाय करते हैं और शॉर्ट करते हैं, उस केस में अगर रिवर्सल हो गया तो जो मान के चलो रिलायंस है 100 पॉइंट, वहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया उसके फ्यूचर को और 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप हो गया, कुछ न्यूज आया 100 पॉइंट का गैप अप हो गया, उस केस में तो आपको सीधा 50,000 का लॉस होगा। तो इस लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। कोई स्टॉक अगर अपने शॉर्ट बाय ये सब है तो उसके साथ, और वो भी अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो रिलायंस के फ्यूचर को आप जो है 40 से 50 हज़ार में होल्डिंग कर सकते हो पोजिशनल में, ठीक है। तो फ्यूचर से फ्यूचर को भी बता दूंगा एक बार, और फ्यूचर के साथ दूसरा जो मेथड है वो भी बता दूंगा। सेम स्टॉक का अगर राइट करते हो आप ऑप्शन को तो उसके लिए भी बताऊंगा कि अगर राइट किया आपने तो एक तो आपको फ्यूचर के साथ कैसे राइट करना है वो बताऊंगा आपको, और उसके बाद ऑप्शन को राइटिंग टू राइटिंग और बाई पोजिशन से कैसे उसको मिनिमाइज करना है वो बताऊँगा, और बाई वाले में बाई टू बाई और बाई टू सेल उसमें भी आपको बताऊँगा कैसे करना है, बाई टू बाई में भी बाई टू सेल में भी। तो ऐसे टोटल आपको 6 मेथड में बताऊँगा, लेकिन ये 6 मेथड बताने के लिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि यूट्यूब में ऐसे एक एक करके बताने से आप लोगों को उतना बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, आप लोग उतना यूज भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्री फ्री ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बैचेस बनाए हुए हैं, जैसा कि ये ट्रेनिंग का रहेगा बैच, ठीक है। ट्रेनिंग आपको जो है अप्रॉक्स 2 आवर का रहेगा, मतलब 2 घंटे यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। लैंग्वेज पूरा हिंदी रखने वाला हूँ, टोटल हिंदी रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन आपको मिलेगा, वो भी बेबेक्स या गोटो मीटिंग, आपको मैं बता दूंगा किस में देने वाला हूँ। तो आपको ऑनलाइन बेबेक्स या गोटो मीटिंग के थ्रू मिलेगा, तो मोबाइल अगर आपके पास है तो आप मोबाइल में इजिली ट्रेनिंग ले सकते हैं, लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है। और मैंने इसका डेट रखा हुआ है 23 तारीख, जो अभी आने वाला है संडे, इसमें 23 तारीख को जो है रहेगा। तो यहाँ पे 2 बैचेस मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि जॉब वाले जो है मैक्सिमम संडे को फ्री होते हैं, दोपहर का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे फ्री है, क्योंकि अभी तो संडे सब जगह बंद है, तो ऐसे भी आप कहीं मॉल या तो मूवी ऐसा कुछ प्लानिंग में भी नहीं होगा, तो आप वहाँ पे आराम से आपका लंच करने के बाद, फ्री होने के बाद आप 14 बजे ट्रेनिंग ले सकते हो, ये जॉब वालों के लिए। और बिजनेस वाले जैसे कि अगर मान लो कहीं पे कुछ ओपनिंग है, ठीक है, बिजनेस में है, तो दिन में उतना टाइम नहीं होता, तो यहाँ पे इनका भी फर्स्ट बैच, सॉरी यहाँ पे सेकंड बैच लिखना था, तो ये बिजनेस वालों के लिए मैंने इवनिंग में रखा हुआ, रात में 8 बजे जब आप आ जाओगे तो फ्री होके आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें अप्रॉक्स आपको 2 घंटे का लगेगा। और मैंने फीस रखा हुआ है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल है, क्योंकि आप इतने बड़े लॉस करा सकते हो, तो लॉस को बचाने के लिए 500 देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फीस जो है 500 मैंने रखा हुआ है। अगर आप ये ट्रेनिंग सब लेना चाहते हो तब ये इस संडे को मैंने 23 तारीख को ऑर्गेनाइज किया है, नेक्स्ट वाले संडे को उसके लिए प्लान मैं बताऊँगा क्या है, ठीक है ना। इसमें जो फीडबैक आएंगे आप लोगों के थ्रू उसमें से मुझे कुछ हेल्प भी होगा। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप में मुझे ट्रेनिंग मैसेज टाइप करिएगा, व्हाट्सएप में ट्रेनिंग और डेट
और ये जो फर्स्ट बैच, जो अगर 2 बजे का ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है तो फर्स्ट बैच, अगर इवनिंग में करना है 8 बजे का तो यहाँ पे आप सेकंड बैच करिएगा। और इस नंबर पे 8827741829 पे या तो 1803533509 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इसके लिए ये लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिन में 60 से 70 मैसेज आते हैं जिनका मैं एट ए टाइम रिप्लाई नहीं कर पाता, कुछ मैसेज स्किप हो जाते हैं। तो मे बी अगर आपका स्किप हो जाए तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग आएगा तो मैं वहाँ पे इवनिंग में ट्रेनिंग वाले सभी चीज़ मैं देख सकता हूँ। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि क्या कैसे क्या बताने वाला हूँ, सभी चीज़ अभी क्लियर डाउट है, क्लियर मतलब डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको आपने अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको ऐसा सब लॉसेस मिनिमाइज करके चलना है तो आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500 इजली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।